हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी फिजिक्स से करंट इलेक्ट्रिसिटी से ऑलमोस्ट 30 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और मेरा मानना है कि अगर ये 30 न्यूमेरिकल्स आप आराम से कर पा रहे हो तो आपको आईसीसी में कम से कम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बेसिक रिलेशनशिप देख लेते हैं, फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में हेल्प आउट करेगा। तो सबसे पहला तो है कि जो करंट होता है I, वो होता है Q by T। वह Q इज अ टोटल चार्ज, और चार्ज कैसे निकालते हैं हम लोग, Ne। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज चार्ज कैरिड बाय ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। सपोज पोटेंशियल एट अ पॉइंट हमें निकालना है V, तो वो होता है W by Q। वह W रिप्रेजेंट्स अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q कूलम्ब From infinity to that point। और ऐसा ही हमारा potential between two point, you know, VA minus VB क्या होगा, same होगा W by Q। फिर हमारा बहुत ही important relationship आता है जिसे हम Ohm's law कहते हैं कि भैया V equals to IR। ये बड़ा ही important है Ohm's law। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब इसका graph बनाते हैं हम लोग तो slope ऑफ वी वर्सेस आई ग्राफ आपको क्या देगा, आपको रेजिस्टेंस देगा। वी बाय आई, डेल वी बाय डेल आई, ये आपको रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। और अगर आप स्लोप ऑफ आई वर्सेस वी निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको वन बाय आर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर उस लेंथ इज एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है, वो होता है रो एल बाय ए, ठीक है। यहां पे रो जो है, रो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो सिग्निफाई कर रहा है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ओके। नेक्स्ट हमारा है, इसे हम लोग सिग्मा को कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, जो कि होता है वन बाय रो, याद रखिएगा। और अगर यहां से रो का वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दे हम लोग, तो वो हो जाएगा मेरा एल बाय आर ए, ठीक है, ए फॉर एरिया। ये आपका कंडक्टिविटी हो गया, स्मॉल ए भी यूज कर सकते हैं, योर विश। चलो उसके बाद ईएमएफ ऑफ अ सेल, जस्ट अ सेकेंड, ईएमएफ ऑफ अ सेल ई से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, ये आपका ईएमएफ ऑफ अ सेल होता है, तो वो होता है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल प्लस वोल्टेज ड्रॉप, स्मॉल वी को मैंने वोल्टेज ड्रॉप लिया है, ठीक है। उसके बाद आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, स्मॉल वी, वो होता है करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इसे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा करंट हमारा था, याद रखिएगा ईएमएफ, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ईएमएफ दिया हुआ है, तो करंट निकलेगा हमारा ईएमएफ बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, वे स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अच्छा यहां से ना रिलेशनशिप यूज करेंगे हम लोग, कैपिटल ई इक्वल्स टू वी प्लस स्मॉल वी, तो हमें मिलेगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई बाय कैपिटल वी माइनस वन इनटू आर। ये भी आपका एक रिलेशनशिप है, ठीक है। मैं डेरिवेशन में भी नहीं जा रहा हूं। ये देखते हैं अब कि अगर कुछ रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में है या पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मान लो एक सिनारियो है जहां पे मैंने तीन रेजिस्टर R1, R2 और R3 को सीरीज में ले लिया है, ध्यान से देखना,
अब इनको मैं कंप्लीट कर लेते डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ये मेरा प्लस, ये मेरा माइनस, ये मेरा करंट आई। तो सबसे पहली बात तो देखने की चीज है कि जब ये तीन रेजिस्टर सीरीज में, तो सेम करंट फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो होगा ना तीनों से, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर डिफरेंट होगा। यानी कि यहां पे V1, यहां पे V2, यहां पे V3। और इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा इन तीनों का, उसे हम लोग अगर सीरीज में RS लेंगे तो वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब सिंपली ऐड कर देते हैं हम लोग, अगर रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तीनों को ऐड कर दो, खत्म। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर सर्किट जो है वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड डॉट डॉट, अगर ज्यादा है तो दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। ठीक है, चल ये तो था सीरीज की बात। अगर पैरेलल ले लो, इसी तीन को हम लोग पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3। सबसे पहली बात तो यहां पे करंट अगर आई है तो वो बाइफर्केट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब करंट डिफरेंट फ्लो होगा, लेकिन पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम होगा। यहां पे तीनों में VVV होगा। ठीक है, तो यहां का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/RP होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ज्यादा है तो और ऐड कर देंगे, 1/R4 लाइक दैट। तो ये हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देख लिया हम लोगों ने। चलिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है मेरा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन द नेटवर्क शोन अलोंग साइड। एक्स आपका ये पॉइंट है और वाई आपका यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला और ये वाला सीरीज में है, देखो ध्यान से, और इन दोनों के पैरेलल ये है। अरे भैया, इस डायग्राम को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, बोलो हाँ या ना, कमेंट में हाँ या ना लिख दो। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1.5 ओम, आ गया ये दोनों सीरीज में मेरा। अगर ये दोनों सीरीज में है मेरा तो इक्विवेलेंट क्या होगा, RS होगा 1 प्लस 2, दैट इज 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये 1.5 ओम पैरेलल में है भाई, तो 1/RP क्या होगा, 1/3 प्लस 1/1.5 होगा ना। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 1/3 प्लस 10/15, 10/15 मतलब 2/3 होता है, यानी कि 1/3 प्लस 2/3, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1/1, तो RP भी 1 होगा। यानी कि यही तो है मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। नंबर 2 देख लेते हैं, वैसा ही कुछ है। देखो 5 रेजिस्टर ईच ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड इन एज शोन इन द अलोंगसाइड फिगर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू एंड बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। तो पहले पी एंड क्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं अलग से डायग्राम बना दे रहा हूं, यहां पे आपका ये पॉइंट पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका 3 ओम, ये भी आपका 3 ओम, ये भी आपका 3 ओम, ये जो पोर्शन है। ठीक है, तो बिटवीन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम दोनों ही सीरीज में है कि नहीं। तो यहां पे RS क्या होगा, 3 प्लस 3 यानी कि 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम, देखो ध्यान से, ये 6 और ये 3, ये दोनों पैरेलल में है, मतलब 1/RP मेरा क्या होगा, 1/6 प्लस 1/3 That is 6, ऐसे मिलो तो 1 प्लस 2 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि RP मेरा क्या होगा, 2 ओम, यानी कि द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 2 ओम। डन, पहला पार्ट हो गया, इजी था, लाइक जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। अब क्या बोला है, बिटवीन X एंड Y आपको निकालने बोला है। तो अच्छा, इस डायग्राम को मैं क्या ऐसे बना सकता हूं, देखो तो ध्यान से, ये ध्यान से देखना एकदम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये PQ था। देखो PQ का जो पूरा सर्किट था वहां से मुझे एक सिंपल मिल गया, उनका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं।
अब ध्यान से देखा जाए तो ये थ्री, ये टू और ये थ्री तीनों ही सीरीज में आ गए, तो इक्वेलेंट क्या होगा, थ्री प्लस टू प्लस थ्री यानी कि 8 ओम इज योर इक्वेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, चलो ये तो क्या नंबर टू। नंबर थ्री देख लेते हैं, फोर रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 0.5 ओम, 1.5 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ दिया हुआ है बैटरी का 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है बोल दिया, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ ईच रेजिस्टर। पहले टोटल करंट निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानना जरूरी है, तो क्योंकि ये चारों के चारों सीरीज में है, क्योंकि ये चारों के चारों सीरीज में है, तो आर एस क्या होगा, 0.5 प्लस 1.5 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि ये हो जाएगा 12 ओम, है कि नहीं। और हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या होगा, V बाई आर, ईएमएफ कितना दिया हुआ है 6, R क्या दिया हुआ है 12, यानी कि 0.5 एम्पियर ये होगा करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, कि पहला पार्ट तो बड़ा इजी था, सेकेंड पार्ट बोला है हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ ईच रेजिस्टर। मान लो जो पहला रेजिस्टर है मेरा, वहां पे V1, तो V1 क्या होगा, I इंटू R1, यही होगा ना, है कि नहीं, दैट इज 0.25 वोल्ट। V2 यानी 1.5 ओम के अक्रॉस वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, वो होगा अगेन I इंटू R, दैट इज 1.5, तो दैट इज इक्वल टू 0.75। V3 क्या होगा, अक्रॉस 4 ओम, अगेन I इंटू R, दैट इज 4, दैट इज 2 वोल्ट। और V4 मतलब आखिरी वाला जो 6 ओम था, वहां पे होगा 0.5 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। सबको ऐड करो, देखो 6 वोल्ट मिल रहा है, बता ना, वी क्वेश्चन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 लाइक दिस, यहां पे हो रहा है सर। ठीक है, चलिए ये था हमारा नंबर थ्री। नंबर फोर देख लेते हैं, अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर थ्रू अ 2 ओम कॉइल एंड अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर थ्रू अ 8 ओम कॉइल, कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दो केस है, केस वन है और केस टू है, ध्यान से समझो। अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.6 एम्पियर थ्रू अ 2 ओम कॉइल एंड अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर थ्रू अ कॉइल ऑफ 8 ओम, कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्योंकि मेरा दो केस है, दो अननोन है, मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ जा रहा है ये सब। अब देखो पहले केस से क्या ये मैं लिख सकता हूं, देखो तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाई आर प्लस आर, ये लिख सकता हूं ना, तो ये जाएगा 0.6 इक्वल्स टू ई 2 प्लस आर, सही है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.6 इंटू 2 इज 1.2 प्लस 0.6 आर इक्वल्स टू ई, हो गया पहला। दूसरा इसी प्रकार देखो, यहां पर भी आई क्या होगा, आई होगा ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 इंटू 8 इज 2.4, सो 2.4 प्लस 0.3 आर इक्वल्स टू ई, तो ई का ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 1.2 प्लस 0.6 आर इक्वल्स टू 2.4 प्लस 0.3 आर। अब ट्रांसपोज कर दो, तो 0.3 आर क्या होगा, 1.2, यानी कि आर होगा 4 ओम, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है 4 ओम का। अब एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, तो ई का वैल्यू निकाल लो, कहीं पर भी पुट कर दो, सपोज यहां पे पुट कर रहे, तो 2.4 प्लस 0.3 इंटू 4 इक्वल्स टू ई,
यानी कि 2.4 प्लस 1.2 इक्वल टू कैपिटल ई, यानी कि ई क्या होगा मेरा 3.6 वोल्ट होगा मेरा। सही है, दो केस था, दो अननोन था, साइमल्टेनियस इक्वेशन मिला, उसे आप जैसे सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 5 क्या बोल रहा है, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एमिटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.7 ओम एंड अ रेजिस्टर ऑफ 4.5 ओम हैज शोन अलोंगसाइड, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एमिटर। रीडिंग ऑफ द एमिटर मतलब करंट मांगा है हमें, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज मांगा है हमसे। तो बड़ा इजी है, देखो I क्या होता है, I होता है E by capital R plus small r, capital R मेरा external resistance है, plus internal resistance मतलब equivalent resistance निकालना है हमें। तो R external क्या है, देखो ध्यान से, 0.7 plus 4.5 diagram पे ध्यान दो, ये दोनों series में है, तो ये हो जाएगा मेरा 5.2 ohm, तो I का value क्या होगा 1.8, ये हो गया 5.2 प्लस 2, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है हमें इस सब में, तो ये आपका हो गया 1.8 बाय 7.2, इसे हम लोग 18 बाय 72 लिख सकते हैं, 92 टाइम्स 98 टाइम्स 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर निकल गया, है कि नहीं। तो ये हमारा निकल गया करंट, तो हमारा पहला पार्ट तो हो गया। What is the potential difference across the terminal of the cell? तो हमें पता है E होता है capital V plus small v, small v होता है potential drop, तो ये terminal potential difference across the terminal of the cell मतलब capital V क्या होगा E minus V, तो capital V होगा E है 1.8 और small v कैसे निकालते हैं हम लोग, I into small r, I क्या है भाई 0.25 और स्मॉल r क्या है 2, तो ये हो गया 1.8 माइनस 0.5 यानी कि 1.3 वोल्ट। सही है, चल ये तो हो गया हमारा पार्ट टू भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन द नेटवर्क शोन। बड़ा ही इजी सम है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये सीरीज में है, तो इसका इक्वालेंट क्या होगा 3 प्लस 2 यानी कि 5 ओम होगा। ध्यान से देखिएगा, ये और ये भी सीरीज में है, पॉइंट तो आपका एक्स वाई है ना, करंट फ्लो होगा तो इसमें इसमें इन दोनों में सेम होगा, इन दोनों में सेम होगा, है कि नहीं। तो ये होगा 3 प्लस 2, ये भी 5 ओम है कि नहीं। अब अगर देखा जाए तो ये 5, ये 5 और ये वाला 1 जो है, ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। सही है, तो 1/RP मेरा क्या होगा 1/5 प्लस 1/5, जस्ट अ सेकेंड, या 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/1 यही होगा ना। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 5 वन प्लस वन प्लस फाइव यानी कि 7/5, ये क्या हो गया भैया, ये हो गया 1.4, ये तो 5/5 उल्टा कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते। फिर आरपी क्या होगा, मेरा आरपी होगा 5/7 ओम, ये होगा मेरा। चाहे तो आप डेसिमल लगाना चाहे तो 2 प्लेसेस तक आप आंसर दे देना, हो गया। चल ये तो गया मेरा नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं, ये बड़ा इजी था, कैरफुली स्टडी द सर्किट डायग्राम शोन बिलो एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे अननोन सा रेजिस्टर है मेरा एक्स, इसका वैल्यू निकालना है, मेरा करंट दिया हुआ है, तो देखो जो करंट होगा वो होगा ई बाय आर एक्सटर्नल, अच्छा यहाँ पे तो आर स्मॉल आर जीरो दिया हुआ है, तो सीधा हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू वी बाय R, where R is the क्या बोलते हैं equivalent resistance of the circuit, क्योंकि internal resistance zero है वहां पे, तो R external plus small r मैंने लिखा नहीं, तो पहले equivalent resistance निकालते हैं। आप देखो ये 12, ये 6 और ये 3, ये तीनों जो है ये तीनों parallel में है, तो क्या मैं लिख सकता हूं
कि 1 बाई आर पी इज 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 12 इज एलसीएम है कि नहीं, तो 12 वन टाइम, 6 टू टाइम्स, 3 फोर टाइम्स, सही है। फिर से देख लेते हैं, 12 वन टाइम, 6 टू टाइम्स, 3 फोर टाइम्स, 4 5 6 7, तो 1 बाई आर पी आपका हो गया 7 बाई 12, यानी कि आर पी क्या होगा 12 बाई 7, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इनका इस पूरे सर्किट का हमें, इस पूरे कॉम्बिनेशन का क्या निकला हमें, रेजिस्टेंस 12 बाई 7, और ये 2 और ये x, अब ये तीनों पैरेलल में हो गए, सीरीज में हो गए ना, ध्यान से देखो, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा मेरा 12 बाई 7 प्लस 2 प्लस x, देख लो ध्यान से, होगा कि नहीं होगा, यही होगा मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब अगर हम लोग फॉर्मूला में बैठा दे तो अच्छा, R इक्वल्स टू V बाई आई, ध्यान से देखना, तो R जो है आपका वो होगा V वी एस 6, आई है मेरा 0.4, सही है। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, टू टू टाइम्स, टू फाइव टाइम्स, टू वन टाइम, टू थ्री टाइम्स, 15, मतलब 12 बाई 7 प्लस 2 प्लस x इक्वल्स टू 15 आ रहा है, यानी x इक्वल्स टू 15 माइनस 2 13, 13 माइनस 12 बाई 7 आ रहा है, सही है। तो आपका ये फ्रैक्शन में आ सकता है, तो ये 7 हो गया इधर, अभी हो गया 13, 7 टाइम्स कितना होगा, 7 3 से 21, 7 से 7 8 9, 91 माइनस 12, तो 91 माइनस 12 कर लो थोड़ा सा, तो 11 माइनस 2 इज 9 और 8 माइनस 1 इज 7, तो x क्या होगा 79 बाई 7, यानी कि 11 2 बाई 3 ओम, ए 11 2 बाई 7 ओम, ध्यान से देखिए, अच्छा समझाइए, दिस वाज अ इंपॉर्टेंट सा। हमने पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला इस सर्किट का पूरा, ठीक है, और फिर V को सो आई आर यूज कर लिया, और तो कुछ किया नहीं यहां पे, चलिए सही, डन। नेक्स्ट देखते हैं, द रेजिस्टेंस, द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 2 ओम इज पैरेलल, इन पैरेलल आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम, ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम शोइंग द अबव अरेंजमेंट एंड कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, तो देखो क्या बोला है कि ये आपका 3 ओम और ये 2 ओम ये दोनों पैरेलल में है। अब इसको हम लोगों ने एक ईएमएफ मेरा दिया हुआ है, ठीक है, ईएमएफ क्या दिया हुआ है 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.3 ओम, इससे हम लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है। ये तो डायग्राम हो गया, ये यहां पे आई मान लो, ये आई वन, ये आई टू, ठीक है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, मतलब कैपिटल आई मांग रहा है, बड़ा इजी है, अभी भी किया है। कैपिटल आई क्या होगा, ई बाय आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल, तो आर एक्सटर्नल क्या होगा, ये दोनों आपका पैरेलल है, तो 1 by RP को हम लोग 1 by 3 प्लस 1 by 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 LCM हो गया, 3 2 times, 2 3 times, यानी कि 1 by RP को हम लोग 5 by 6 लिख सकते हैं, यानी कि RP को हम लोग 6 by 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं, यानी कि 6 by 5 क्या होगा भाई, 1.4 होगा, है कि नहीं, 1.2 होगा, सॉरी 1.2, तो I क्या होगा, आई ई 1.5, आर एक्सटर्नल 1.2 प्लस 0.3, यानी कि 1.5 बाय 1.5, यानी कि 1 एम्पियर हो गया। बड़ा इजी था, अगर आपको बेसिक रूल्स पता है तो आप कर लोगे, बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। चलिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आर वन आर टू आर थ्री आर फोर। अरे भैया बड़ा इजी है ये पार्ट, आप देख लो, आर
थ्री और आर फोर देख रहे हो, ये पैरेलल में है ना, तो वन बाय आर पी क्या होगा, वन बाय आर पी होगा वन बाय आर थ्री प्लस वन बाय आर फोर, तो ये आर थ्री आर फोर, ये हो जाएगा आर फोर प्लस आर थ्री, यानी कि एक्चुअली आर पी क्या हो जाएगा आर थ्री आर फोर बाय आर फोर प्लस आर थ्री। अब इन दोनों का इक्वेलेंट निकल गया आपका, अब आर वन आर टू और ये कैपिटल आर पी ये निकला, ये तो नहीं सीरीज में आ जाएंगे ना, तो टोटल क्या होगा आर वन प्लस आर टू प्लस ये आर पी जो निकला हमारा, बस आंसर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द गिवन फिगर शोज अ सर्किट डायग्राम हैविंग द बैटरी ऑफ 24 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द एमीटर। डायग्राम देख सकते हो, रीडिंग ऑफ द एमीटर मतलब करंट मांगा है, एंड रीडिंग ऑफ वी वन वी टू एंड वी थ्री। वी वन ये आपका वी वन है, देखो ठीक से लिखा हुआ नहीं है, ये आपका यहाँ पे वी टू है, यहाँ पे वी थ्री है। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो ये 6 ओम ये 3 ओम पैरेलल में है, तो 1 बाई आर पी 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 एलसीएम 1 प्लस 2 यानी कि ये 3 बाई 6 यानी कि ये 1 बाई 2, मतलब आर पी क्या होगा 2 होगा। अब समझो बात को, यहां पे 2 आ गया, अब ये 1.5 ये 2 और ये 8.5 सीरीज में हो गया ना, तो आर एस क्या होगा, आर एस होगा 1.5 प्लस 2 प्लस 8.5, ये हो गया 12 ओम, तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या होगा V बाई आर होगा, V कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस क्या निकाला है हम लोगों ने 12 निकाला है, यानी कि 2 एम्पियर, सही है, ये हमारा करंट निकल गया। अब जब करंट निकल गया है, पहला पार्ट तो हो गया हमारा, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, अब रीडिंग ऑफ V1 V2 V3, तो V1 क्या होगा भाई, V1 होगा I1 into R1, I1 क्या है करंट, तो ये 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है देख लो, और R1 क्या 1.5 है यानी कि ये 3 वोल्ट हो गया, ठीक, पहले V3 निकालते हैं, V3 क्या होगा, V3 होगा I1 into R3, तो ये हो गया 2 into R3 8.5 है, 5 टाइम्स 10 17.0 17 वोल्ट। अच्छा ये जो V होगा V2, V2 बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आप कर सकते हो V2 होगा I1 into R2, I1 हमें पता है, I1 पता है हमें 2, और R2 आप निकाल चुके हो वो भी 2 था, तो ये हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। एक तो ये तरीका था, एक और तरीका है कि मैं कैपिटल V को V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो ये 24, V1 आपका 3 था, V2 हम निकालना चाह रहे थे, V3 आपका 17 था, तो V2 4 वोल्ट निकल गया, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो हो गया, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एमीटर, 10 ओम कॉइल ऑफ वायर एंड विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 3 एंड 6 ओम दे दिया, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला पार्ट तो बड़ा इजी है, यहीं पर कर लेते हैं, डायग्राम देखो, 1 बाई आर पी क्या होगा 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 3 यानी कि ये आपका 6 हो गया, ये आपका 1 प्लस 2 यानी कि 1 बाई आर पी हो गया 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2 यानी कि आर पी हो गया 2 ओम, डन। तो ये पहला पार्ट निकल गया, रीडिंग ऑफ द एमीटर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो ये यहाँ का 10 और यहाँ पे जो हमने 2 ओम निकाला है ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 10 प्लस 2 यानी कि 12 वोल्ट 12 ओम, तो एमीटर मतलब रीडिंग आई, आई क्या होगा सेकेंड पार्ट वी बाई आर, वी है आपका दिया हुआ है 3 और R टोटल रेजिस्टेंस 12 निकला है, तो 1 बाई 4 यानी कि 0.25 एम्पियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, अक्रॉस 3 ओम क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो बड़ा इजी है, अक्रॉस 3 ओम मान लेते हैं V1 है, V1 होगा करंट, करंट क्या था 0.25 इंटू ये 6 और 3 तो पैरेलल था ना, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा
टू होगा, तो इंटू टू दैट इज हाउ मच, दैट इज 0.50 या वोल्ट, ये निकल गया। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थ्री ओम, ये हो गया नंबर थ्री था ये। नंबर फोर क्या बोला है, करंट फ्लोइंग थ्रू थ्री ओम, यहां पे करंट क्या फ्लो हो रहा है, यहां पे करंट क्या फ्लो हो रहा है, सपोज आई करंट आई वन फ्लो हो रहा है सपोज, तो आई वन क्या होगा, वी वन बाई आर होगा, आर मतलब जो इसका रेजिस्टेंस है, आर वन मान लेते हैं, तो वी वन क्या है 0.5 और आर वन क्या है, आर वन है 3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यही मेरा करंट होगा, यानी कि 0.17 एम्पियर राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। चल ये तो आपका हो गया, चलो नंबर 14 देख लेते हैं। फोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द अलोंग साइड सर्किट डायग्राम, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट पी एंड एस, अच्छा यहां पे दो बार पी दिया हुआ है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, मतलब ये वाला पॉइंट डेफिनेटली आर होगा। पहला क्या बोला है, बहुत इजी है, तो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, बिटवीन क्यू एंड आर देखो 2 ओम और 3 ओम है ना, ये दोनों पैरेलल है, तो भैया 1/RP क्या होगा, 1/2 + 1/3 होगा, ये 6 हो गया, 2 3 times 3 2 times, यानी कि ये 5/6 हो गया, यानी कि RP क्या होगा 6/5, 1.2 ओम। नंबर 2, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड S, बड़ा इजी है, ये 1 ओम, यहां पे 1.2 निकला और ये 4 ओम, तीनों के तीनों सीरीज में, तो आर एस क्या होगा 1 + 1.2 + 4, यानी 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6.2 ओम होगा मेरा ये, ठीक है, बड़ा इजी था ये। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है, स्टडी द सर्किट डायग्राम शोन अलोंग साइड केयरफुली एंड कैलकुलेट द करंट इन द मेन सर्किट एंड द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टर इन पैरेलल सर्किट। पहले मेन सर्किट की करंट की बात करते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानना हमें जरूरी है, पहले इन दोनों का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो 1/RP क्या होगा 1/1.5 + 1/3, ध्यान से देखना, तो 1/RP क्या होगा, ये हो जाएगा 10 ऊपर चला गया तो 2/3 + 1/3, ठीक है, तो 1/RP क्या होगा 2/3 + 1/3 = 1, सो RP इधर आपका 1 आ गया। सिमिलरली अगर इन दोनों की बात करें 6 and 12, तो 1/RP क्या होगा भाई 1/6 + 1/12, तो 1/RP क्या हो गया भाई 12, एलसीएम ले लिया 2 + 1, तो 1/RP क्या हो गया भाई 3/12, यानी कि 1/RP क्या हो जाएगा, सॉरी RP क्या हो जाएगा 12/3 मतलब 4, RP हो जाएगा 4 ओम। अब ये 1 और ये 4 सीरीज में है, ध्यान से देखो, तो आर एस क्या होगा 1 + 4 दैट इज 5 ओम, डन। तो जो करंट होगा मेरा मेन सर्किट में आई, वो होगा V/R, वी है आपका 9, आर है आपका 5, तो ये हो गया 1.8 एम्पियर, डन, सेकेंड वाला डन हो गया, फर्स्ट वाला डन। अब क्या बोल रहा है, करंट एंड ईच ऑफ द रेजिस्टेंट पैरेलल सर्किट, मतलब ये आई था आपका 1.8, यहां पे बाइफर्केट होगा, मान लो यहां पे आई वन है, ये आर वन है, ये आई टू है, सॉरी यहां पे करंट जाएगा आई टू और फिर ये आई बन जाएगा, फिर यहां पे डायग्राम फॉलो करो, ये आई थ्री और ये आई फोर, तो हमें आई वन आई टू आई थ्री आई फोर। तो सबसे पहले ये जो 1.5 और 3 ओम है, इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल मान लो V1 है, मान लेते, तो V1 हम लोग पहले निकालेंगे, V1 क्या होगा I into R, जो भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1.5 और 3 का, तो I है आपका 1.8 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम है, यानी कि 1.8 वोल्ट हो गया, तो I1 क्या होगा V1 / R1 दैट इज 1.5, ये कैलकुलेट कर लेना,
आई टू क्या होगा, वी वन बाय आर टू यानी कि 3 यानी कि 0.6 एम्पियर। इसको भी कैलकुलेट करके लिखना, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप देखो आई थ्री, तो यहां पे इस जगह पे पोटेंशियल क्या है, देखो वी टू मान लेते हैं यहां पे, तो वी टू मेरा क्या हो जाएगा, वी टू हो जाएगा मेरा ध्यान से आई यानी कि आपका 1.8 इंटू आर यानी कि 4 निकला था मेरा इक्वालेंट, यानी कि 7.2 वोल्ट। वैसे भी 9 माइनस 1.8 7.2 ही निकलेगा। तो आई थ्री क्या होगा, आई थ्री होगा वी टू बाय 6 यानी कि 1.2 एम्पियर। आई फोर क्या होगा, अगेन वी टू यानी कि 7.2 बाय 12 है कि नहीं, यानी कि 12 हाउ मेनी टाइम्स, 12 सिक्स टाइम्स मतलब 0.6 एम्पियर निकल गया। तो जितने भी करंट थे हमारे वो निकल गए, टोटल करंट था हमारा 1.8, एक सेकेंड, टोटल करंट था 1.8 एम्पियर, सही है। अच्छा 7.2 बाय 6 ये 1.2 हो गया, और इधर आपका कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, बिकॉज आई वन नहीं, ठीक है 1.2 प्लस 0.6 1.8 देगा। मैं सोच रहा था पूरा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर करके हम लोग 1.8, नहीं ऐसा थोड़ी होगा। अच्छा 1.8 बाय 1.5 1.2 निकलेगा, ठीक है। तो ये भी देखो 1.8 हो गया, सही, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द अलोंगसाइड सर्किट डायग्राम 3 रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 वोल्ट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। तो अगर सबसे पहली बात देखा जाए तो ये 1 और 2 ये सीरीज में, देखो ध्यान से है कि नहीं, ऐसा हम लोगों ने किया है। तो ये आर एस क्या होगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3 ओम। अब ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम पैरेलल में है, तो 1 बाई आर पी क्या होगा भाई, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 ये होगा ना। तो जस्ट अ सेकेंड, या ये 3 ये 1 प्लस 1 यानी कि 2 बाई 3। तो आर पी क्या होगा, आर पी होगा 3 बाई 2 यानी कि 1.5 ओम। अब ये 1.5 ओम ये 0.5 ये सीरीज में हो जाएगा, तो आर टोटल क्या होगा, 1.5 आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल यानी कि 2 ओम, यानी कि ये निकल गया 2 ओम, खत्म। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर, ये बड़ा इजी है। रीडिंग क्या होगा, आई होगा ई बाई आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल, ये होगा ना, स्मॉल आर लिखते इसको। तो आई क्या होगा, ई है आपका 2 और आर एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ही निकल रहा है, तो आई क्या होगा 1 एम्पियर होगा, डन। बड़ा इजी था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द गिवन फिगर शोज अ बैटरी हैविंग ऑफ ईएमएफ 9 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम कनेक्टेड टू 3 रेजिस्टर ए बी एंड सी, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बी सी। तो भैया ये दोनों पैरेलल में है ना, पहला पार्ट करते हैं। तो 1 बाई आर पी क्या होगा, 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6 ये होगा ना, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 1 बाई आर पी इज 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6। तो ये 1 बाई आर पी क्या होगा, 12 एलसीएम है, 4 3 टाइम्स 6 2 टाइम्स, तो 1 बाई आर पी क्या होगा, 5 बाई 12 यानी कि आरपी क्या होगा, 12 बाई 5 यानी कि आरपी होगा आपका 2.4 ओम, डन। ये पहला क्वेश्चन था। अच्छा कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सी। अब देखो ये ए जो है और ये बी और सी, बी और सी तो पैरेलल है जिसका हम लोग इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब ए के सीरीज में है वो, तो सेकेंड पार्ट जो है वो मेरा सिंपल हो जाएगा, आर एस क्या होगा 2 प्लस 2.4, देख लो ध्यान से, इजी सम है, 4.4 ओम।
कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो भैया टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल, है कि नहीं। तो ये हो गया 4.4 और वहां 0.6, देख लो डायग्राम। तो ये 5 ओम डाल, कैलकुलेट द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टर ए बी एन सी, पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो भैया जो टोटल करंट है आपका आई, वो होगा ई बाई आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल, यानी कि 9/5 है ये ना, 9 आपका ई एम एफ है, देखो 9 वोल्ट दिया हुआ था और टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 5 है, तो ये आपका हो जाएगा 1.8 एम्पियर। ये तो आपका टोटल करंट निकल गया, और यही करंट फ्लो हो रहा है ए सर्किट से, ए रेजिस्टर से, देखो ध्यान से, यही ना, अगर ये है आई तो वही तो फ्लो हो रहा है। तो आई ऑफ ए तो निकल गया हमारा, हमारा आई ऑफ ए क्या निकला है, 1.8 एम्पियर। अब थोड़ा ध्यान से समझना बात को, कि ये बी और सी जो है इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, सपोज V1 या V2 जो भी, तो जो पोटेंशियल होगा V, ठीक है, अक्रॉस बी एंड सी उसके कॉम्बिनेशन पे, वो होगा आई इनटू आर, आर इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू, यानी कि 0.4, यही होगा मेरा पोटेंशियल, है कि नहीं, 1.8 इंटू 2.4, तो ये जाएगा मेरा 4.32 वोल्ट, ये हो गया मेरा। अब अगर मान लेते हैं कि यहां पे ये I1 IB है और ये IC है, तो भैया IB क्या होगा, करंट क्या होगा, V by R, RB, तो V है 4.32/4, निकाल लो, दैट इज 1.08 एम्पियर। इसी तरह IC क्या होगा, 4.32/6, ये होगा ना, तो ये हो गया 0.72। अब 0.72 एम्पियर और 1.08 एम्पियर, यानी कि 1.8 दे रहा है, सही है, समझ में आया। पोटेंशियल निकाल लिया अक्रॉस बी एंड सी, उसके बाद आईबी और आईसी निकाला हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं कि भैया क्या बोल रहा है। द गिवन फिगर शोज थ्री रेजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 9 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 वोल्ट ओम। अ मेन करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर फ्लोस थ्रू द सर्किट, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, ये बड़ा इजी है, मान लो V1 था पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे, ठीक है। V1 क्या होगा, आई इंटू आर, यानी कि 4, यानी कि 1 वोल्ट, डन हो गया, पहला पार्ट तो इजी था। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये भी इजी है भैया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे 3 ओम है, तो स्मॉल v क्या होगा, आई इंटू 3, यानी कि 0.75 वोल्ट, हो गया, ये भी हो गया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर ओम और 2 ओम रेजिस्टर, अब देखो ध्यान से, क्या मैं लिख सकता हूं, ईएमएफ 2 था, 2 इक्वल टू, यहां पे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी 2 है, मान लेते हैं, तो जो ईएमएफ है 2 वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस स्मॉल V, यही होगा ना। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, 2 इक्वल टू V1 कितना है मेरा, निकाल के रखा था 1, V2 हमें निकालना है प्लस 0.75, यानी कि V2 क्या होगा, 0.25 वोल्ट होगा, डन हो गया। अब नंबर 4 क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, अरे भाई V2 क्या है, अच्छा R बोला है ना, एक मिनट रुक जाओ, कैसे कर सकते हैं हम लोग, करंट पता है हमें, ये में पता है, यस हो जाएगा। यहां पे जो है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर निकाल लो, तो 1, 2 और R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, तो 1/RP क्या होगा, 1/2 प्लस 1/R होगा, है कि नहीं। तो ये 2R हो गया, ये R प्लस 2 हो गया,
मतलब आरपी क्या होगा, टू आर बाई आर प्लस टू, यही होगा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे पोटेंशियल पता है आपको भी 0.25, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 0.25 वी टू इक्वल्स टू आई, यानी कि 0.25 इंटू रेजिस्टेंस जो कि है 2R by R plus 2। बोलो क्या मैं लिख सकता हूं ये, अरे V equals to I, यार V क्या है वहां पे 0.25 है, I भी 0.25 है और R तो इक्वालिटी है ना दोनों का, तो ये हो गया 1 equals to 2R by R plus 2, ये चला गया, तो R plus 2 equals to 2R, यानी कि R equals to 2, डन। ये बड़ा इजी सम था, ठीक है, चलो ये तो हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा समझाइए ना, डिफाइन द टर्म, अच्छा डिफाइनेशन तो कर नहीं रहे हम लोग। सिक्स रेजिस्टर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो भैया ये तीनों जो है देखो, टू ये थ्री और ये फाइव, एक सेकेंड रुक जाओ, तो थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वाला 2 ओम, ये वाला 3 ओम, ये वाला 5 ओम, ये तीनों पैरेलल में है भाई, तो 1 बाई आर, सीरीज में, सॉरी सीरीज में है, 1 बाय आर एस को लिख रहे हैं भाई, तीनों सीरीज में है, ध्यान से देखो, करंट यहां पे था, ऐसे ऐसे करंट डाइवर्ट होगा, तो ये तीनों में तो करंट सेम फ्लो होगा ना, तो आर एस क्या होगा 2 + 3 + 5, दैट इज 10 ओम। अब ये 10 और ये वाला 10 दोनों पैरेलल में है, तो 1 बाई आर पी क्या होगा, 1 बाई 10 + 1 बाई 10, 10 LCM, 1 + 1 यानी कि 2 बाई 10, यानी कि 1 बाई 5, यानी आर पी हो गया 5। यानी कि ये डायग्राम मेरा ऐसे बन सकता है, देखो अभी डायग्राम मेरा ऐसा हो गया, ये है 2, ये है 5 और ये भी तो 5 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 5 है ना, अभी तीनों सीरीज में, देख लो ध्यान से, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 2 + 5 + 5, दैट इज 12 ओम, डन, बड़ा इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ वायर ऑफ लेंथ 1.20 सेंटीमीटर, लेंथ है 1.20 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। तो भैया आर होता है रो एल बाई ए, तो रो क्या होगा आर इंटू ए बाई एल, अच्छे रो आर क्या है 4, एरिया क्या है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.2, और सेंटीमीटर को अगर आप इसमें करते क्या बोलते हैं मीटर स्क्वायर में करते हैं, तो 100 × 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और L क्या है 120, तो 120 इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में, दिस पॉइंट डेटा, यहाँ 10 आ गया, 4 × 1 = 4, 30 × 2 = 2, 15 ×, तो ये रो आ रहा है 1/50, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये ओम मीटर में होगा, ये क्षेत्र में होगा ओम मीटर में, होता टफ नहीं है, इजी है, ठीक है, ओम मीटर, डन। चल तो ये था, इजी था ये वाला बड़ा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यस, द सर्किट डायग्राम शोज अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम कनेक्टेड टू द 2 ओम रेजिस्टर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। तो सर्किट डायग्राम शोज सेल्फ, ठीक है, इंटरेस्टेंस हो गया, तो बड़ा इजी है, तो एक स्टेप में जाएगा, क्या मांगा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, अच्छे पहले करंट निकाल लो, तो आई क्या होगा ई बाय आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल, यानी 1.5 / 2.5, ये हो गया मेरा करंट, यानी कि 15/25, 5 3 times 5 5 times, ये हो गया मेरा, तो I क्या होगा 0.6, ये होगा ना भाई, सही 0.6 एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम क्या होगा मेरा I इंटू आर,
दैट इज 1.2 वोल्ट. डन, वेरी इजी. नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डायग्राम शोन अलोंग साइड. बड़ा इजी है भैया. ए और बी अगर बात किया जाए तो सीरीज में है, तो ए बी का आर एस क्या होगा, 4+8 यानी कि 12. सी और डी सीरीज में है, तो फिर आर एस क्या होगा, 1.5+4.5 दैट्स 4.56 ओम. अब ये 12, ये 6 और बीच में 3, ये तीनों पैरेलल हो जाएगा. तो 1/RP क्या होगा, 1/12+1/3+1/6. 12 एलसीएम है, 1+4+2, तो 1/RP क्या होगा, 4, 5, 6, 7/12. ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आरपी क्या होगा, 12/7, यही मेरा आंसर होगा. ठीक है, बड़ा इजी था ये. नेक्स्ट देख लेते हैं, द डायग्राम शोज थ्री रेजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर. कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सबसे पहले तो करंट दिया हुआ ना आपको, अच्छा इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो पहले, 3 और 1.5 का रेजिस्टेंस का. तो 1/R कितना होगा, 1/3 और ये हो जाएगा 10/15 यानी कि 2/3. तो 1/R = 1/3+2/3 यानी कि 1 होता है ये. तो R आपका RP ले लो, RP आपका 1 हो गया. तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 यहां पे जो आया प्लस 4 प्लस स्मॉल r. और EMF क्या होता है, करंट लेते हैं, करंट क्या होगा, EMF बाय r एक्सटर्नल प्लस r इंटरनल. तो ये 0.3 क्या हो गया, 1.8 बाय r एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल. आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल तो ये है ना, 5+R. तो ये हो गया 1 = ये कटे करो 6 टाइम्स, तो 5+R = 6 यानी कि R = 1 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया. कैलकुलेट द करंट थ्रू, एक सेकेंड हो जाइए, कैलकुलेट द करंट थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस आर. तो सॉरी, कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर. यहां पे मान लो ये I1 है, ये I2 है. अच्छा पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, हम लोग को पोटेंशियल रेजिस्टेंस मिल गया है 1, तो V होगा I यानी कि 0.3 इंटू आर यानी कि 0.3 वोल्ट. तो I1 क्या होगा, V = I1 इंटू आर. तो I1 होगा आपका 0.1 एम्पियर. डन हो गया, यही था. ठीक है, बड़ा इजी था. नेक्स्ट देखते हैं, थ्री रेजिस्टर ऑफ 3 ओम 1.5 ओम एंड 1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल. द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू अ सीरीज ऑफ रेजिस्टर 8.5 एंड देन अ बैटरी ऑफ EMF 4.5 वोल्ट. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज नेग्लिजिबल. ड्रॉ अ डायग्राम, सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द करंट इन द मेन सर्किट. कैलकुलेट द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टर इन पैरेलल. बड़े प्यारा समय. चलिए पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं. तो ये रहा, देखिएगा ध्यान से, 3 पैरेलल है, 1, 2, 3. ठीक है, फिर ये सीरीज में है. डेटा लिखते हैं, ईएमएफ है 4.5 वोल्ट और ये 3 है, 3 एक है 1.5 और एक है 1. ये तीनों आपका पैरेलल जॉइन है. इसके सीरीज में है आपका 8.5. ठीक है, सर्किट डायग्राम हो गया, यही तो होगा.
है कि नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, नेग्लिजिबल बोल दिया है। ड्रॉ द सर्किट, कैलकुलेट द करंट इन द मेन सर्किट। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। पहले तो ये तीनों पैरेलल में है, तो 1/R p = 1/3 + 1/1.5 + 1, तो ये आपका हो गया 1/3 + 10/15 + 1, तो ये हो गया 1/R p। 1/3 + 10/15 बहुत बार किया हम लोगों ने, 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1/R p = 2/1, तो R p = 1/2, यानी कि 0.5 ओम। अच्छा, ये तो निकल गया। तो आपका I क्या होगा, I होगा E R external + R internal, मतलब यहां पे तो इंटरनल है ही नहीं, तो R ही लिखेंगे। तो R तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये 0.5 ओम आया है, यहां पे 8.5, ये दोनों तो सीरीज में है ना भाई, तो RS क्या होगा, 0.5 + 8.5, यानी कि 9 ओम होगा, तो ये 9 आ गया, मतलब I क्या होगा, 0.5 एम्पियर। ये हमारा करंट निकल गया, करंट इन द मेन सर्किट इज आपका 0.5 एम्पियर। उसके बाद अगला करंट, कैलकुलेट द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो भैया ऐसा करते हैं, पहले हम लोग इसको हटा दे रहे हैं, ध्यान से देखना, ये आपका सर्किट मैं फिर से बनाता हूं, थोड़ा बड़ा करके एक ही पोर्शन को बना रहा हूं। ये आपका 3 है, ये आपका 1.5 है, ये आपका 0.5 है, ठीक है। अच्छा, यहां पे मान लो I1 करंट है, यहां पे I2 करंट है, यहां पे I3 करंट है, ये मान लो I1 R1, ये मान लो R2 ये R3। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है अक्रॉस, R1 R2 R3 के पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट था मेरा I क्या आ रहा था, I आ रहा था 0.5 और R भी आपका 0.5 है, यानी कि 0.25 वोल्ट, है ये ना। I1 क्या होगा, V/R1, मतलब 0.25/3 होगा। I2 क्या होगा, V/R2, दैट इज 1.5, और I3 क्या होगा, अगेन V/R3, मतलब 0.5 एम्पियर। ये कैलकुलेट करके आप लिख लेते हो, इज इट क्लियर, या 0.25/3, 0.25/1.5, 0.25, ये आपका ना 1 ओम था, एक सेकेंड हो जाइए, ये आपका 1 ओम था, तो यहां पे 1 आएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपके निकल जाएंगे करंट इन ऑल द 3 रेजिस्टर जो कि पैरेलल में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इज 4 ओम दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। बड़ा इजी है, सबसे पहले तो ये 8 और 4 सीरीज में है, तो इनका क्या होगा, 8 + 4 इक्विवेलेंट होगा 12 होगा। ये 5 और x ये भी सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 + x। अब ये 5 + x और ये 12, ये दोनों क्या चीज में है, पैरेलल में है, तो 1/12 + 1/5 + x दैट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP, और RP क्या है, 4 है, हो गया। तो 1/5 + x = 1/4 - 1/12, दैट्स 12 एलसीएम, 4 3 टाइम्स 1 टाइम, सो 2/12 दैट्स 1/6। So 1/5 + x is coming as 1/6. So 6 is equal to 5 + x, यानी x equals to 1 ओम निकल गया, बड़ा इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 5 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन द फिगर, 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट, वेरी इजी।
ये तीनों के तीनों पैरल में है, तो 1/RP क्या होगा, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम 60 है, 3 2 टाइम्स 3 2 23 सा, यानी 3 टाइम्स और ये 1 टाइम, यानी 6/60 मतलब 1/10, यानी यहां पे आरपी क्या हो गया 10। ये दोनों भी पैरेलल है, तो 1/RP क्या होगा इनका, 1/10 प्लस 1/40। भैया एलसीएम 40 होता है 4 प्लस 1, यानी कि 5/40, 5/40 मतलब 1/8, तो आरपी क्या हो गया 8 हो गया यहां पे। अब ये 8 और ये 10 सीरीज में है, तो आरएस क्या होगा, 10 प्लस 8 यानी कि 18, है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस निकल गया आपका, और टोटल करंट, अरे भैया V तो दिया हुआ है 12, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, यानी कि 12/18 का था, 6 2 टाइम्स 6 3 टाइम्स, यानी कि 2/3 एम्पियर, इसको डेसिमल में कर लेना, डन। ये बड़ा इजी था, है कि नहीं। चल नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट हाँ, इन द फिगर गिवन बिलो द एमीटर ए रीड 0.3 एम्पियर, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वैल्यू ऑफ आर, करंट फ्लोइंग थ्रू आर। तो पहले तो हमें पता है वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर होगा वी बाई आई, वी है आपका, अच्छा यहाँ पे 6 एम्पियर लिखा हो, वोल्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वी है 6 और ये है करंट है 0.3, ठीक है। तो ये 6 ये हो गया, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ गया, 20 ओम, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा इन दोनों का इक्वालेंट क्या होगा, देखो सेकेंड पार्ट करते हैं। 1/RP इज 1/R प्लस 1/60, 1/RP तो पता है 1/20 है, तो 1/20 इक्वल टू 1/R प्लस 1/60, मतलब 1/R इज 1/60 माइनस 1/20, 1/20 माइनस 1/60 होगा ना, ध्यान से, 1/20 माइनस 1/60, आपने 60 लिया एलसीएम 3 टाइम्स, ये तो 1 टाइम, तो ये हो गया 2/60 यानी कि 1/30, यानी कि आर कितना है 30 ओम, डन हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू आर, तो करंट कितना होगा, ठीक है, ये I1 है, ये I2 है। सबसे पहले ये R और 60 के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही है, 6 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 6 इक्वल्स टू I1 इंटू R, लिख सकता हूं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 है ना अक्रॉस R एंड 60, तो 6 इक्वल्स टू I1 इंटू R। अब R क्या 30 है, तो 6 इक्वल्स टू I1 इंटू 30, तो I1 क्या होगा, 6/30 वनजा 5 जा, यानी कि 0.2 एम्पियर का था, हो गया। चल नेक्स्ट देखते हैं, अब ये लास्ट सम है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। सबसे पहले देखो ये वाला चार, ये वाला चार और ये वाला चार सीरीज में है, तो इनका हो जाएगा आर एस क्या हो जाएगा 12 ओम। ये दो 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 ये तीनों सीरीज में है, तो इनका क्या होगा आर एस 2 प्लस 2 प्लस 2 6 ओम। अब ये 12, ये 6 और ये वाला 4, ये तीनों पैरेलल में है भाई, तो 1/RP क्या होगा, 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6, यही होगा ना, 12 LCM 1 टाइम, 4 3 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, तो 6/12 यानी RP हो गया 2 ओम। यानी कि इस पूरे की जगह हम 2 ओम बैठा सकते हैं। अब ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 6 ओम सीरीज में है, तो मेरा RS क्या होगा, 5 प्लस 2 प्लस 6 13 ओम, यही मेरा आंसर है, इजी था, टफ था नहीं। चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।